दो विषय प्रसन्नदाताई थे आज, एक तो 15 से 18 वर्ष के हमारे जो बच्चे थे, बेटे बेटी थे, उनका वैक्सीन में हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में आया है और इसके लिए सभी को, बच्चों को भी, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, हमारे अधिकारीगण, मंत्रिमंडल के साथीगणों को मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी और मुख्यमंत्री जी को सभी मंत्रिमंडल ने बधाई दी। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय था वो हमारा मध्य प्रदेश जो रैंकिंग आई है, उन राज्यों में बेरोजगारी में हमारे यहाँ सबसे कम है, रोजगार के अवसर हमारे यहाँ सर्वाधिक उपलब्ध हुए जबकि कोरोना काल था। इस कोरोना काल में भी हर क्षेत्र में रोजगार की अवसर, देश की जो रैंकिंग आई उसमें मध्य प्रदेश अव्वल रहा। उसका कारण कि हमने अधोसंरचना के क्षेत्र में 40% से ज्यादा राशि खर्च की जिससे हमारी अर्थव्यवस्था गतिमान हुई, चाहे वो एमएसएमई का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग में क्षेत्र हो। लगातार मुख्यमंत्री जी स्वयं भी बैंकों से बात कर रहे हैं और अब 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी समेत सभी मंत्रीगण अपने अपने स्वयं के जिले अथवा प्रभार के जिले रोजगार मेला जैसा लगाएंगे, जिनमें हम उनको लोन स्वीकृति जैसे पत्र, रोजगार के लिए उपलब्ध होने वाले संसाधनों के प्रमाण पत्र बांटेंगे और एक साथ प्रदेश में 3 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि इसकी शुरुआत कर रहे हैं, ये लगातार जारी रहे, इसकी व्यवस्था भी लगातार हम करें। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी इस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ होने जा रही है। मध्य प्रदेश में जो हमारा आनंद विभाग था, उस आध्यात्म विभाग था, उसे धार्मिक न्यास और धर्मस्थ न्यास में आज परिवर्तित किया गया है। आज कैबिनेट के अंदर जो महत्वपूर्ण निर्णय आने हुए उसमें स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस STARS जो इस कार्यक्रम का नाम है, उसकी क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति आज मध्य प्रदेश में कैबिनेट ने दी है। मध्य प्रदेश अब उन प्रमुख 6 राज्यों में शामिल हो गया इसके बाद में, जिनके अंदर यह योजना लागू की जा रही है। एक अच्छी बात ये हुई है, जो दूरदृष्टि, जो विजनरी सोच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का है, उसमें अब आगे की सोच, बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है तो पावर प्लांट भी नए लगे, इसको आधार बनाकर आज मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की जो चचाई इकाई है वहां पर 660 मेगावाट, 1×660 मेगावाट वो आज नए लगाने की अनुमति दी। आप सबको ये विदिती होगा कि नया प्लांट जब लगता है तो 2-3 साल का समय उसमें लग जाता है, इसलिए एडवांस सोच लेकर दूरदृष्टि के साथ में किया है। इसी तरह से संचालन नगर और ग्राम निवेश के विभागीय सेटअप में भी संशोधन किया है। अभी तक इस ग्राम निवेश के कार्यालयों के विस्तार पुनर्गठन में 941 पद, जिसमें नियमित 693, संविदा 201, आउटसोर्स 47 और 104 प्रतिनियुक्ति के थे, उसको अब नए सेटअप में करने का तय किया है। उसमें 13,45,00,000 की स्वीकृति भी प्रदान की है। आज विधि विभाग में द्वारा भी ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया और अभय सक्सेना को 1-1 वर्ष की संविदा नियुक्ति बढ़ाने का भी तय किया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर धान, गेहूं, छोटे अनाज के उपार्जन और खाद्य विभाग के लेकर इसमें जो विषय था कि हमारे यहाँ पर अभी केंद्र सरकार हमारे उपार्जन को उठाती है, हमें बैंक से लोन लेना पड़ता है, अन्य जो दिक्कतें आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए
अब हमने मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू की है और इसमें राशि का प्रावधान कर दिया है। कभी कभी विलंब हो जाता था केंद्र के उठाने में या अन्य कार्यक्रमों में बैंक में, तो अब राज्य सरकार ने राशि का प्रावधान मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना लागू करने का उन्होंने तय किया है। आज पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट नस्ल विकास पर उपमिशन, चरी चारा विकास उपमिशन और इनोवेशन तथा विस्तार उपमिशन को भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी है। ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, ये भी रोजगार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण योजना है। इस पशुधन मिशन योजना के क्रियान्वयन की सहमति मध्य प्रदेश ने दी है। इसमें हमारे बकरा बकरी भेड़ कुक्कुट गाय बैल भैंस इन योजनाओं को चारा योजनाओं को इसमें सब में रोजगार के अवसर सीधे किसानों को फसल के अलावा भी देने का राज्य सरकार ने तय किया है। चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल इंदौर और रीवा ये भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। DBFOT PPP मॉडल पर इन कैंसर मरीजों के इलाज के लिए आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा सहमति दी है। इस योजना में अब कैंसर मरीजों का सुगम उपचार हो पाएगा और काफी कम रेट पर ये PPP मॉडल पर उन्हें ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आज तीन अलग अलग निर्णय थे। इन तीन निर्णय में जो हमारे ई नीलामी के द्वारा जो वाणिज्य कर विभाग की भूमि जो अंबेडकर चौक बालाघाट में थी, आज 7,21,71,000 में मेसर्स अभिनव कंस्ट्रक्शन को देने का तय किया है। दूसरा ब्यावरा बस डिपो पर संपत्ति है, उसमें 12,80,00,000 रुपए में देने का तय किया है। ये सब बोली से अधिक आई है राशि और ई निविदा हुई है। ई निविदा में बोली में शामिल हुए 100% राशि जमा करने के बाद में इनको दी जाएगी। इसी तरह से मुरैना शहर के अंदर वार्ड क्रमांक 13 जोरा खुर्द जमीन का जो था उसे भी 68,35,00,000 में देने का 100% राशि के बाद में जमा करने का तय किया है। 67,67,37,35,00,000 और ये कुटीर और ग्राम उद्योग की मदल महल 15 नंबर बाढ़ जबलपुर में इस भूमि को 8,03,41,000 रुपए में देने का तय किया। ये भी उन्हीं शर्तों में है जो प्राइज रिजर्व थी उससे अधिक बोली आई और 100% राशि जमा करने के बाद में दिया जाता है।